क्वालिफाई मुकाबला जो संघ जिंकेल तो ठरेल बक्षीस पात्र। पुढचा आवाज किशोर कुकरे यांचा। पहिला बॉल गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज प्रतीक। पहिलाच बॉल कव्हर ड्राइव्ह देखना फटका। क्रिकेटचा क्लास दाखवणारा स्ट्रोक बॉल सीमारेषा चलते है ना तो सब रास्ते रुक जाते हैं, नहीं जाते मंडळात जमा। शिंदे सरकार सिद्धेश शिंदे यांच्या कडून आहे की लागोपाठ दोन षटकार मारा आणि तब्बल 500 रुपये कमवा। ही संधी आहे अली 11 रोहा रॉयल संघासाठी। पहिला बॉल वरती कव्हर ड्राइव्ह बॅटर सलमानच्या बॅट मधून आला। अगदी पुढच्याच बॉल वर प्रतीक मडवीन कमबॅक मैदानाच्या आत मध्ये केलाय। डॉट बॉल त्यांना हतळला। दोन बॉलचा खेळ कंप्लीट झालाय। दोन बॉल मध्ये 4 धावा या स्कोर कार्ड वरती आहेत। सलमान सिद्दीक एक चौकेराच्या मदतीने मैदानाच्या आत मध्ये बॅटिंग करतोय। यावेळेस विचित बादशाह रडार मध्ये बॉल आलाय। फ्लॅश स्लिपचा क्षेत्ररक्षक बॉल वरती आलाय। कोणती धाव इथे घेतली जाणार नाही। या बॅक टू बॅकचा हा दुसरा डॉट बॉल येतोय। डॉट बॉल येतोय। डॉट बॉलच्या मदतीने स्कोर कार्ड थांबेल। स्कोर कार्ड वरती धाव संख्या 4 एकड्यावरती पाहायला मिळतीय। सलमान सिद्दीक ऑन स्ट्राइक त्याच्या साथीला सुफियान आपल्याला पाहायला मिळतात। अर्थातच मागच्या मॅचचा हिरो ज्याच्या बॅट मधनं 26 धाव आल्या तो सुफियान नॉन स्ट्राइकर एंड वरती आहे। कुलवर टपाचा हा बॉल हलक्या त्यानं स्टेअर केलाय। गली रिजन मधील क्षेत्ररक्षक विज्ञान बॉल वरती येतोय। फेक करेल तद्वर धावर चित करण्यात येईल। 1-1 च्या मदतीनं स्कोर कार्ड वरती धाव संख्या जाऊन पोहोचली 5 एकड्यावरती। सन्माननीय शैलेश मोरे साहेब यांच्या माध्यमातून प्रत्येक गोलंदाजाला विकेटची हॅट्रिक जर कंप्लीट केली ना तर 500 रुपयाचं कॅश प्राइस दिलं जाणार आहे। सिंगलच्या मदतीनं स्कोर कार्ड वरती धाव आल्यात। 5 एकड्यावरती षटकातील हा 5वा बॉल गोलंदाजी मागवरती गोलंदाज प्रतीक मडवी वेगाचा बादशहा मैदानाच्या आत मध्ये गोलंदाजी करतोय। कमबॅक करणं तो मैदानाच्या आत मध्ये जाणतो आणि कमबॅक करत असताना सुद्धा आपण पाहिलंय। यावेळी स्लॉट मध्ये बॉल होता। फटका फसलाय। कॉट बाहेर विकेट धक्का क्रमांक पहिला मागच्या मॅच विकेट मैदानाच्या आतमध्ये मिळतीय। गोलंदाज प्रतीक मडवी याला 5व्या बॉल वरती सफलता त्यानं प्राप्त केली आहे। स्कोर कार्ड वरती धाव संख्या पहिल्या 5 बॉलच्या समाप्तीनंतर 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 5 धावा या धावफलकावरती आहेत। नवीन बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये इन ऍट नंबर 3 कुणाल कोंडाळकर। क्रिकेटच्या विश्वामध्ये नेहमी चर्चेत राहणार हे नाव सध्याच्या घडीला बॅटिंग मार्कवरती आला डावकुऱ्याचा फलंदाज कुणाल। वेगवान बॉल अगदी समरिंग डिलिव्हरी पाहायला मिळाली। टप्पा पडला जमिनी लगोलत बॉल निघून गेला। 22 इशारा आला। एक सिंगल इथे स्कोर कार्ड वरती ऍड करण्यात आली आहे। तत्पूर्वी पहिलं मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक संपुष्टात आलंय। पहिल्या 6 बॉलचा खेळ 6 बॉलच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्ड वरती धाव संख्या 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 6 धावा या धावफलकावरती आहेत। चांगली गोलंदाजी टीम प्रेरणा 11 खैरवाडी अर्थातच निडी आणि वरवटणे हे दोन गाव एकत्रित खेळत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात। चांगलं फॉर्मॅट रोहा चॅम्पियन्स ट्रॉफी या रजनी क्रिकेट मध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं। दोन गावांना एकत्रित करत असताना आपण पाहिलंय आणि दोन गाव अगदी एक योग्य रीतीचं कॉम्बिनेशन घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल सुद्धा झालेले आपल्याला पाहायला मिळालेत। कुणाल कोंडळकर सत्याच्या खडीला ऑन स्ट्राईक आपल्याला पाहायला मिळतील। षटक क्रमांक 2 तळण्यासाठी गोलंदाज मागवरती गोलंदाज
ऋतिक माळी गोलंदाज मागपत येतील. वेगाचा आणखीन एक बादशाह वेगवान गोलंदाज गोलंदाज मागपती दाखल झालाय समोर कुणाल खोंडाळकर. ओ पिच बॉल लॉफ्ट केलाय फटका इथे फर्स्ट लाईक की काय परंतु फिल्डरच्या मस्त कुणाल कोंडलकर साठी आणि सितेश कडून 500 रुपये लागू आहेत जर दुसरा षटकार आला तर. यावेळी साफ ट्रॅकर बोल शॉटन पूल करायचा होता. बादशाह रडार मध्ये बॉलिंग नाहीये. डॉट बॉल येतोय. कमबॅक ऋतिकच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. पहिला बॉल स्लॉट मध्ये राहिला. बॅकफूट वरती असताना पंच केलं कुणाल षटकार त्याला ठोकला. परंतु यावेळेस लेंथ मध्ये बदलाव केला. बॅक ऑफ द लेंथ गोलंदाजी केली ऋतिकनं. अंतर येणार हा डॉट बॉल खूप सारा महत्वाचा राहील. टीम प्रेरणा 11 खैरवाडी या संघासाठी. स्कोर कार्ड वरती धावसंख्या 12 अंकावरती पाहायला मिळतीये. षटकातील पुढचा बॉल वेगवान गोलंदाजी आउट साइड टॉप स्टंप वेग भरा हा बॉल टप्पा पडल्यानंतर वेगानं बॉल निघून गेलाय. यष्टी रक्षकाचा वेध घेण्यात आला. डॉटबॉलचा इशारा सुद्धा आला. डॉटबॉलच्या इशाऱ्यानंतर स्कोर कार्ड थांबतोय. स्कोर कार्ड वरती धावा 12 अंकावरती पाहायला मिळत्या टीम अली 11 रोहा रॉयल्स रोहा आज संघ मैदानाच्या आतमध्ये टॉस जिंकून बॅटिंग करतोय. स्लोवर वन गती मध्ये केलं परिवर्तन. दिशा इथे चुकली आहे. वाईट बॉलचा इशारा येतोय. वाईट बॉलचा इशारा स्कुटकर पुढे सरकेल. स्कुटकर वरती धावसंख्या 13 अंकावरती जाऊन पोहोचतीये. कुणाल कोंडलकर टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये खूप कमी काळामध्ये एक उंच भरारी घेतलेला हा नेहमी चर्चेत राहणार हे नाव. मैदानाच्या आतमध्ये कुणाल कोंडलकर बॅटिंग वरती आहे. ओ पिच बॉल समोरच्या दिशेला फटक्यामध्ये आहे वजन. धावा कडवरती धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 19 अंकावरती. चांगली बॅटिंग या षटकामध्ये. हा दुसरा षटकार खेचला कुणाल कोंडाळकरनं. मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंगसाठी प्रमोट केलं. अंतर कुणालच्या बॅटमधनं धावा सुद्धा येऊ लागल्या. दोन षटकाराच्या मदतीने तो मैदानाच्या आतमध्ये सध्याच्या घडीला खेळतोय. ऋतिक दाखल झालेत. आणखीन एक मोठा फटका. एलिव्हिएशन खूप सारा मिळालंय. बॉल निघून चाललाय. बाउंड्री योग करणारे असंख्य हात आहेत. त्या असंख्य हातामधला एक हात म्हणजे ओंकार देशमुख. तुझं सुद्धा कौतुक. बॅक टू बॅकचे दोन षटकार कुणाल कोंढाळकरच्या बॅटमधून आल्यात. षटकाराच्या मदतीनं स्कोर कार्ड फ्लाय झालाय. स्कोर कार्ड वरती धावसंख्या 25 अंकावरती पाहायला मिळतीय. षटकातील पुढचा बॉल डान्सिंग डाऊन द विकेट पद्धत आली त्याचा वापर केला. बॅक ऑफ द लेन गोलंदाजी करतोय गोलंदाज ऋतिक. शेवटचा बॉल आलाय. डॉट षटक क्रमांक दुसरं मैदानाच्या आतमध्ये संपुष्टीत आलाय. पहिला 12 बॉलचा खेळ. पहिली दोन पॉवर प्लेची षटक इथे समाप्ती झाली आहेत. पहिल्या 12 बॉलच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्ड वरती धावसंख्या 25 अंकावरती आपल्याला पाहायला मिळतीये. 25 धावा फलकावरती आल्यात. कुणालची बॅट मैदानाच्या आतमध्ये धावांची भाषा बोलू लागली आहे. तीन षटकाराच्या मदतीनं तो सध्याच्या घडीला मैदानाच्या आतमध्ये खेळतोय. अफलातनं इनिंग तो मैदानाच्या आतमध्ये साकारतोय. पार्टनरशिप बिल्ड मैदानाच्या आतमध्ये तो सध्याच्या घडीला करत असताना आपल्याला पाहायला मिळालाय. सलमान सध्याच्या घडीला बॅटिंग करेल. 4 बॉल फेस केलेत. 5 धावा सलमान सिद्दीकच्या बॅट मधून आल्यात. षटक क्रमांक 3 प्रतीक माळी ज्यानं पहिलं पॉवर प्लेचं षटक हाताळलं तो पुनः गोलंदाजीला आलाय.
पहिलाच बॉल स्क्वेअर ऑफ द विकेट केला डीप पॉइंट मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एक सिंगल या बॉल वरती सहज रीत्या प्राप्त केली जाईल. एका सिंगलच्या मदतीने स्कोरकार्ड वरती धावसंख्या जाऊन पोहोचती 26 अंकावरती. 26 धावा धावफलकावरती आल्यात कुणाल आणि सलमान सिद्दीक, रोहा तालुक्यातील नामांकित फलंदाज. सध्याच्या घडीला मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करतात ऍज अ ऑलराउंडर म्हणून. मैदानाच्या आतमध्ये टीम अली 11 रोहा रॉयल्स संघासाठीच क्रिकेट खेळतात. प्रतीक एक वेगवान गोलंदाज, चांगली गोलंदाजी या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये प्रतीक मडवीची सुद्धा पाहायला मिळाली आहे. ओपिश बॉल समोरच्या दिशेने फटका एक्झिक्युट केला लॉंग कापेट डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे. क्षेत्ररक्षक विज्ञान बॉल वरती येत असताना आपल्याला पाहायला मिळाले एक सिंगल. इथे कुणाल कुंडलकरला मिळेल एका सिंगलच्या मदतीनं. स्कोर कार्ड वरती धावसंख्या जाऊन पोहोचतीये 27 कडावरती. 27 धावा धावफलकावरती षटक क्रमांक तिसरं. मैदानाच्या आतमध्ये मार्गस्थ सलमान सिद्दीक मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करतोय. मोठी फटके त्याला खेळावेच लागतील. वेगवान बॉल फटका फसलाय. बॉल बॅक टू ड्राईव्ह सुद्धा गोलंदाज बॉलच्या खाली आले. टिपला जेल संपलाय सलमान. प्राप्त केली आहे गोलंदाज प्रतीक मडवीनं. सलमान सिद्दीक मैदानाच्या बाहेर पडत असताना आपल्याला पाहायला मिळाले. 6 बॉल फेस करत असताना सलमानच्या बॅट मधनं एका चौकाराच्या मदतीनं 6 धावा आल्यात. नाराज केलं संघाला टीम अली 11 रोहा रॉयल्स या टीमला. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये इन ऍट नंबर 4 मजर गौरी. मजर गौरी मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग साठी आला. सोनार सिद्ध चषकामध्ये बेस्ट बॅट्समन सलमान सिद्दीक राही. मजर गौरी राहिला तो सत्याच्या घडीला मैदानाच्या आतमध्ये इन ऍट नंबर 4 बॅटिंग साठी असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. प्रतीक मडवी हा षटकातील पुढचा बॉल परफेक्ट यॉर्कर पाहायला मिळाला. सन्मानचन खेळला मजर गौरीनं. एक सिंगल इथे सहजरित्या कंप्लीट सुद्धा केले गेले एका सिंगलच्या मदतीनं. धावफलकावरती धावसंख्या 28 अंकावरती जाऊन पोहोचतीये. प्रतीक मडवी हा दुसरा स्पेलर तळण्यासाठी आलाय. पहिल्या 4 मध्ये एक विकेट सलमानची त्यानं प्राप्त केली आहे. धावा खर्च केला त्यानं अवघ्या 3. कुणाल कोंडलकर जबरदस्त बॅटिंग करतो. 3 षटकाराच्या मदतीनं तो मैदानाच्या आतमध्ये खेळतोय. षटकातील पुढचा बॉल वेगवान बॉल इष्टीरक्षक द्वारकानाथ भोसे एफर्ट्स मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाले. खूप सारा वेग या बॉल वरती होता. बॅटची इनसाइड एज घेतल्यानंतर इष्टीरक्षकाचा वेद घेणारा हा बॉल पाहायला मिळाला. डॉट बॉल येईल. डॉट बॉलच्या मदतीने स्कोर कार्ड स्थिर होतो. स्कोर कार्ड वरती धावसंख्या 28 अंकावरती पाहायला मिळतीये. रोहा चॅम्पियन्स ट्रॉफी रचनी क्रिकेटची ही भव्य दिव्य नाईट टुर्नामेंट आपल्याला पाहायला मिळतीये. 5 मित्र एकत्रित आले. त्यांनी संपूर्ण तालुक्याला त्यांनी एकत्रित केलंय. त्यावेळेस बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये फटका एक्झिक्यूट केलाय. अंपायरांचा इशारा आला इट्स अ नो बॉल. ती धावा धावफलकावरती आल्यात. प्रतीक मडवी गोलंदाजीला आले. धावांपासून वंचित ठेवलं पहिल्या 5 बॉलवर, परंतु शेवटच्या बॉलवरती चुकी त्यानं केली आहे. फ्री हिटचा हा बॉल असणार आहे. समोर बॅटर कुणाल कोंडाळकर. हाफ ट्रॅकर शॉर्ट अँड पुल फ्री हिटच्या बॉलवर आक्रमण. बॉल सीमा रेषापार येतोय. देखील फटका त्याने एक्झिक्यूट केला. टेनिस क्रिकेट डॉट इंडिया वाहिनीवरती ऍक्शन रिप्ले मध्ये तुम्ही पाहू शकता. देखील फटका एक्झिक्यूट केला कुणाल कोंडाळकरनं. बॉल वरती आल्यात. या षटकाराच्या मदतीनं स्कोर कार्ड वरती धावसंख्या जाऊन पोहोचली. षटक क्रमांक 3 संपल्यानंतर बॉल द्या मैदानाच्या आतमध्ये. 18 बॉलचा खेळ संपला. 18 बॉल मध्ये स्कोर कार्ड वरती धावा आल्यात. 39 एकड्यावरती कुणाल मैदानाच्या आतमध्ये खेळतोय. 11 बॉल मध्ये 29 धावा कुणालच्या बॅट मधून आल्यात. चांगली बॅटिंग राहिली आहे. 4 षटकाराच्या
मदतीने तो मैदानाच्या आतमध्ये सत्याच्या घडीला खेळतोय. कॅप्टनने प्रमोट केलं, मजर गवरीला मागे ठेवलं, कुणाल कोंडलकरला प्रमोट केलं. इन ऍट नंबर 3 महत्त्वाची भूमिका त्याच्या खांद्यावरती दिली आणि तदनंतर आयकॉनिक कुणाल कोंडलकर नेहमी चर्चेत राहणार हे नाव आणि त्याच्या बॅटमन आलेल्या महत्त्वपूर्ण धावा खूप साऱ्या महत्त्वाच्या राहिल्या. टीम अली 11 रोहा रॉयल्स रोहा या संघाच्या बाजूने षडक क्रमांक 14 तळण्यासाठी गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज राज पाटील दाखल झालेत. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. वेगवान बॉल बादशा टू वरती बॉल अदळतोय. बॉल हवेमध्ये. एसटी रक्षक प्रशांत मडवी बॉल वरती आले. जेल इथून मात्र हातातून निसटला. जीवनदान मैदानाच्या आतमध्ये मजर गौरी सारख्या विस्फोटक विध्वंसक फलंदाजाला मैदानाच्या आतमध्ये महत्वाच्या क्षणाला दिलं गेलं. एक सिंगल या बॉल वरती आली. एका सिंगलच्या मदतीने धावफलकावरती धावसंख्या 40 अंकावरती पाहायला मिळतीये. 40 धावा धावफलकावरती आल्यात मैदानाच्या आतमध्ये. एक मोठी लढत, दोन संघ आमने सामने लढत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात. अगदी दोन्ही संघाची टीम लाईन पाहिली ना, अगदी पाकअप आपल्याला पाहायला मिळतीये. दोन्ही संघ अगदी तुल्य मूल्य आहेत. यावेळी समोरच्या दिशेने फटका एक्झिक्युट केला डीप मध्ये. प्रोडक्शन क्षेत्ररक्षक वेगाने बॉल वरती येत असताना लॉंग ऑफ रिझन्स पाहायला मिळालेत. एक सिंगल या बॉल वरती येते. एका सिंगलच्या मदतीनं स्कोर कार्ड वरती धावसंख्या जाऊन पोहोचतीये 41 आकड्यावरती. 12 बॉल फेस केलेत कुणाला, 30 धावा त्याच्या बॅटमन आल्या. 4 षटकाराच्या मदतीनं तो मैदानाच्या आतमध्ये खेळतोय. मजर गौरी एका जीवनदानाच्या मदतीने खेळतोय. सत्याच्या घडीला धावाची गरज आहे. यावेळेस मोठा प्रहार या फटक्यात होत वजन. धावा मिळतील मजरला. धावफलक फ्लाय झाले. धावफलकावरती धावसंख्या 47 आकड्यावरती. ऍक्शन रिप्ले मध्ये तुम्ही पाहू शकता रडार मध्ये हा बॉल होता मजर गौरीच्या. देखना फटका त्यानं एक्झिक्यूट केला. बॉल निघून गेला डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. 6 धावाल्या तब्बल स्कोर कार्ड फ्लाय झालं. 47 धावा या सत्याच्या घडीला. स्कोर कार्ड वरती या षडक क्रमांक 14 मैदानाच्या आतमध्ये मार्गस्थ आहे. राज पाटील गोलंदाजी करतोय. पहिल्या 3 बॉल मध्ये 8 धावा त्यानं खर्च केल्यात. इथून धावा येऊ लागल्या टीम अली 11 रोहा रॉयल्स या संघासाठी. पुनश्चा षटकातीला 14 बॉल. हाफ ट्रॅकर यावेळी समरिंग डिलिव्हरी आपल्याला पाहायला मिळाली. टप्पा पडला अगदी जमिनी लगलत बॉल निघून गेलेला पण पाहिला. पाचची कट घेतली. त्यानंतर शॉर्ट फाईन लेगचे क्षेत्ररक्षक विज्ञान बॉल वरती आले. एक सिंगल याही बॉल वरती प्राप्त केली गेली. एका सिंगलच्या मदतीने स्कोर कार्ड वरती धावसंख्या 48 अंकावरती. सध्याच्या घडीला कुणाल 12 बॉल 30 अंकावरती खेळतोय. ऑन स्ट्राईक तो बॅटिंग करत असताना आपल्याला पाहायला मिळेल. डावकुऱ्याचा विध्वंसक विस्फोटक फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये सेट झालाय आणि त्याच्या बॅटमन कोऱ्यांना धावा येऊ लागल्यात. जमेशची बाजू राहिली टीम अली 11 रोहा रॉयल्स या संघासाठी. राजा राज पाटील षटकातील पुढचा बॉल. गोलंदाजी मागपुरती दाखल झालेत कुणाल. ओपीच बॉल वेगवान आपल्याला पाहायला मिळाला. टप्पा पडला आउटसाइड द ऑफ स्टंप अवे फ्रॉम द बॉडी. बॅट्समनच्या बराचसा दूरवरून हा जाणारा बॉल. एसटी रक्षक द्वारकानाथ भोईचा वेध घेतीय. डॉट बॉलच्या मदतीनं धावफलक स्थिरावतोय. धावफलकावरती धावसंख्या 48 अंकावरती पाहायला मिळतीय. या षटकातील शेवटचा बॉल षडक क्रमांक 14 मैदानाच्या आतमध्ये मार्गस्थ. कुणाल कोंडलकर जबरदस्त बॅटिंग राहिली. 13 बॉल 30 धावा त्याच्या बॅटमन आल्यात. यावेळेस फटका एक्झिक्यूट करायचा होता. बॅटच्या रडार मध्ये बॉल येत नाहीये. बॅट स्विंग खूप सारा पाहायला मिळाला. आणखीन एक डॉट बॉल बॅक टू बॅकचा हा दुसरा डॉट बॉल आलाय. राज पाटील या गोलंदाजाच्या माध्यमातून. षडक क्रमांक 14 इथे संपुष्टात आलाय. पहिल्या 24 बॉलचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये संपलाय. पहिल्या 24 बॉलच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्ड वरती धावसंख्या 48 अंकावरती पाहायला मिळतीय. सलमान आणि सुफियान हे दोन फलंदाज बाद झालेत. सलमानच्या बॅटमधनं 6 बॉल 6 धावा आल्या.
तर सुपियान हे मात्र गोल्डन डकचा शिकार ठरत असताना आपण पाहिले. तदनंतर मैदानाच्या आतमध्ये डाव संभाळला कुणाल कुंडालकरनं, 14 बॉल फेस केले, 30 धावा त्याच्या बॅट मधून आलेत. तर त्याच्या साथीला असलेले मजर गौरी 4 बॉल फेस करत असताना 9 धावा या मजर गौरीच्या बॅट मधून आल्यात. शेवटचं षटक डेथवर स्पेशालिस्ट गोलंदाजी मागवरती गोलंदाज विकी म्हात्रे. पहिलाच बॉल फुल टॉस, त्यावर फुल टोल वसूल केले, बॉल आउट. वाढदिवसाचा गिफ्ट होतं, गिफ्ट त्याला स्वीकारलंय आणि बॉलला फेकून दिलंय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. आज षटकाराला षटकाराच्या मदतीनं स्कोरकार्डवर 54 धावाला घावण्यात आल्यात. एक मोठी धाव संख्या उभारण्याकडे वाटचाल टीम अली 11 रोहा रॉयल्स संघाची. आणखीन एक फुलटोस बॉल, आणखीन एक मोठा प्रहार, परंतु क्षेत्ररक्षक कॉर्नर बाउंड्री लाईनला बॉल वरती आले. जेली ते धरतीला दान झाला, दुसरा जीवनदान मैदानाच्या आतमध्ये मजर गौरी या फलंदाजाला मिळतोय. एक सिंगल या बॉल वरती आले, एका सिंगलच्या मदतीनं स्कोर कार्ड वरती धाव संख्या आपल्याला पाहायला मिळतीये 55 या अंकावरती. 55 धावा दा फलकावरती आहेत. यावेळेस साडबा बॅट नऊ सेटला फटका एक्झिक्यूट करायचं होता. लेग ऑफ ब्रेकचा मैदानाच्या शॉटमध्ये वापर करण्यात आला. गोलंदाज विकी मात्र्याच्या माध्यमातून डॉट बॉल येतोय. मॅच रडारमध्ये येत नाहीये बॅटर कुणाल कुंडाळकरचा बॉल, परंतु इथे डॉट बॉल आलाय. डॉट बॉलच्या मदतीनं स्कोर कार्ड थांबतोय. स्कोर कार्ड वरती धावा 55 या अंकावरती पाहायला मिळतात. यावेळेस साडबा बॅट नऊ सेटला फटका एक्झिक्यूट केला. शॉर्ट स्पेअर लेग रिझर्व क्षेत्ररक्षक विज्ञान बॉल वरती आलाय. अडवेल फेकेल, तद्वर धावा अर्चित करण्यात आली. 1-1 मदतीनं 56 धावा दा फुलकावरती आहेत. अब तक 56 मैदानाच्या आतमध्ये धावा संख्या पाहायला मिळतीये. षटक क्रमांक 5 व स्लॉग वर मैदानाच्या आतमध्ये विकी मात्रे पहिल्या बॉल वरती षटकार आला आणि तदनंतर तितक्याच ताकदीनं त्यानं कमबॅक सुद्धा करून दिलाय. चांगला बॉल पाहायला मिळतोय. दिशा चुकतीय. वाट बॉलचा इशारा यायचा ऑफिशियल संपासरांच्या माध्यमातून येतोय. वाट बॉलच्या मदतीनं स्कोर कार्ड वरती धावा संख्या जाऊन पोहोचतीय 57 या अंकावरती. या इनिंग मधील शेवटचे दोन बॉल विकी मात्रे चांगली गोलंदाजी करतो. डेथ ओव्हर स्पेशालिस्ट म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं गेलंय. सध्याच्या घडीला तो डेथ मध्ये चांगली गोलंदाजी करतोय. यावेळेस फुलटोस बॉल फुल टोल, आणखीन एकदा वसूल केलंय मजर गौरीनं. मजर गौरी मारुशापार येतोय. हा क्लासिकल A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड षटकार. षटकार येतोय. षटकाराच्या मदतीनं स्कोर कार्ड वरती धावा संख्या जाऊन पोहोचतीये 63 या कडावरती. 63 धावा धाव फलकावरती आहेत या इनिंग मधील. हा शेवटचा बॉल विकी मात्रे इथून महागडे ठरत असताना आपल्याला पाहायला मिळालेत. त्याच्या अगेन्स्ट हा दुसरा हल्ला चढवलाय बॅटर मजहर गौरी यानं. विकी मात्रे दाखल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस ओपिच बॉल लॉप केला एक्स्ट्रा कव्हरला. देखना फटका क्लासिकल अंदाजामध्ये हा स्ट्रोक एक्झिक्यूट केलाय. बॉल निघून चाललाय. वन बाऊ सीमा रेषा पार येतोय. मजरच्या बॅटमन हा चौकार. चौकाराच्या मदतीनं स्कोर कार्ड वरती धावा संख्या जाऊन पोहोचली 67 या अंकावरती 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. पहिल्या सत्राचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये संपला. या उत्तरार्धामध्ये 30 बॉल 68 धावांचा पाटला कशा पद्धतीनं केला जाईल, काय घडेल काय बिघडेल या आमंत्रित करूयात मायक्रोफोन वरती. परंतु तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा एकत्र या संपूर्ण स्पर्धेचा आनंद घेत राहा. आपण पाहतोय रोहात चॅम्पियन्स ट्रॉफी. मायक्रोफोन वरती कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आमंत्रित करूयात व्हॉइस ऑफ महाराष्ट्र इमरानजी बुखारी सर यांना. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. तो अभी अभी आपने आवाज सुना वॉइस ऑफ रायगढ़. किल्ला से बिलोंग करने वाले हमारे साथी समालोचक किशोर जी कोकरे सर, इनका तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करूंगा. पहली इनिंग का खेल समाप्त हो चुका है. पहली इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए अली 11 रोहा रॉयल्स रोहा टीम ने शानदार बल्लेबाजी की. जिस तरह से कुणाल कोंडालकर और मजहर गौरी ने एक अच्छी साझेदारी यहाँ पर बिल्ड की है,
टीम का स्कोर खड़ा किया हमारे गुणलेखक सर बतलाते हुए स्कोर कार्ड पर 67 रन और 68 रनों का टारगेट यहां पर सेट किया है। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, फिर भी मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद में खुद मंजिल मेरे सामने आ गई मेरा हौसला देखकर। और ऐसा भी कहा जाता है हुज़ैफ़ा कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। तो ये क्वालिफाई का मुकाबला हम देख रहे हैं, रोहा चैंपियन ट्रॉफी कट्टर दोस्ती ग्रुप रोहा आयोजित एक भव्य दिव्य टूर्नामेंट, जिस प्रतियोगिता के आयोजक है तुषार जी शिंदे सर, विशाल जी शेलार, नितेश यादव, अंकित जी मोहिते और राकेश जी पडवल, इन कट्टर दोस्तों ने आयोजित किया हुआ बहुचर्चित ये टूर्नामेंट, जबकि ये अली रोहा तहसील की एक ऐतिहासिक आयोजन किया गया है, क्योंकि इस दोस्ती के नाम से इस शानदार आयोजन हम देख रहे हैं। कट्टर दोस्ती ग्रुप रोहा आयोजित रोहा चैंपियन ट्रॉफी, पहले इनिंग का खेल यहां पर जरूर समाप्त हो चुका है, 67 रन बनाए, 68 रनों का टारगेट यहां पर सेट किया है। मंजिलें उन्हीं को ही मिलते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से ही तो उड़ान होती है। तो जरूर यहां पर बैटर मैदान पर भेजिए जल्द से जल्द। बैटर भेजिए प्रेरणा 11 खेरवाड़ी टीम, 30 गेंदे 68 रनों की। स्ट्राइकर बैटर हम देख रहे हैं ऋतिक माली और उनका साथ देते हुए प्रमोद मड़वी, दोनों बैटर, एक दिल है तो एक धड़कन है। आज दोनों की यहां पर कसौटी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि अली 11 रोहा टीम ने शानदार बल्लेबाजी की, क्योंकि ऐसा लग रहा था उसे पर दो बल्लेबाज आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी बैकफुट पर होगी अली 11 रोहा, पर यहां पर स्ट्रेटजी बनाई थी ना कप्तान ने, कुणाल कोंडालकर को प्रमोट किया इनायत नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, और कुणाल कोंडालकर जिस बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और वही बल्लेबाजी उन्होंने दिखाई, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की, 30 रनों का योगदान दिया और अच्छी साझेदारी बिल्ड करने के बाद जिसके हाथ जीत की डोरी, नाम है उसका मजर गौरी, उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी की। टरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है और उसी तरह से छोटे मियां बड़े मियां, मैच इज ऑन। इस बार पहली गेंद हवा में खेलने की कोशिश, फील्डर गेंद के नीचे आमिर महाड़कर, कोई गलती की गुंजाइश नहीं, पहली गेंद के ऊपर ब्रेक थ्रू दिलाते जरूरी। यहां पर पहली गेंद के ऊपर विकेट प्राप्त करते हुए गेंदबाज शाकिब सिद्दीक, न्यू बैटर मैदान पर इनायत नंबर 3 पर कौन से बल्लेबाज होंगे, आई थिंक सुशील मात्रे, चेतन मात्रे इनायत नंबर 3 पर आते हुए, जबकि यहां पर पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया गेंदबाज शाकिब सिद्दीक ने। विनंती असेल से जोगीरदेव पोस्टाची वाडी आणि खामजाई काम आपण संघ आला असेल तर तिथे आपण आल्याची नोंद करायची आहे, संघाचा संघनायक आपणास असेल विनंती। थैंक यू सो मच तुषार जी शिंदे सर यहां पर बतलाते हुए, क्योंकि इसके बाद सेमीफाइनल का मैच है। स्कोर जा पहुंचा है 68 रनों का टारगेट यहां पर सेट किया है, पहली गेंद के ऊपर विकेट प्राप्त करते हुए गेंदबाज शाकिब सिद्दीक, पहले दबदबा था सुल्तान, तेज तर्रार गेंदबाजी करने में माहिर, पर आज उनके भाई को प्रमोट किया है, पहली पावर प्ले के शतक में गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है, और जरूर रफ्तार के सौदागर गेंदबाजी मार्ग पर, नाम है शाकिब। इस बार रफ्तार के सौदार के ऊपर प्रहार करते हुए मिड विकेट बॉर्डर लाइन के पार, एक तुम्हारी तो एक हमारी, गेंद सीमा पार आता है चेतन मात्र के बल्ले से शानदार शटकार। इस छक्के के साथ आगाज करते हुए बल्लेबाज चेतन मात्र, 68 रनों का टारगेट यहां पर किया है, पहले बल्लेबाजी करते हुए अली 11 रोहा रॉयल्स रोहा टीम ने। तो फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर हम देख रहे हैं शाकिब सिद्दीक, इस
स्पार फुटवर्क का इस्तेमाल का कमाल का कैच, वन हैंड कैच, कोई मिल गया का जादू यहाँ पर, टर्निंग पॉइंट यहाँ पर, कहानी में ट्विस्ट आता हुआ, एक तुम्हारी तो एक हमारी, तू शेर तो मैं सवा शेर। ये बतलाते हुए गेंदबाज शाकिब सिद्दीक शानदार शुरुआत ये थी कराते हुए इस प्रतियोगिता में। कागजों पर तो अदालतें चलती है, हम रॉयल खिलाड़ी है, फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं और यही ऑन द स्पॉट यहाँ पर फैसला होता हुआ, क्योंकि रॉयल्स नाम है और वही रॉयल्स में दमखम दिखाते हुए शाकिब सिद्दीक। स्कोर रुका हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर, 6 रन, शानदार कैच वहां पर, विकेट कीपर हम देख रहे हैं मजहर गौरी, ये हाथ नहीं हथौड़ा है जरूर, ये 2.5 किलो का हाथ सनी देओल की तरह, उसके हाथों में बैठा हुआ गेंद और पहला कैच लपका, दूसरा विकेट प्राप्त करते हुए गेंदबाज शाकिब सिद्दीक। ने बल्लेबाज द लीजेंडरी क्रिकेटर, जिस खिलाड़ी की काफी दहशत है, बहुचर्चित खिलाड़ी है, नाम है द्वारकानाथ भोए, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज, इनायत नंबर 4 पर आते हुए। इस बार जड़ में डालने की कोशिश सटीक यॉर्कर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया गेंदबाज शाकिब सिद्दीक, ऐसे ही नहीं उन्हें रफ्तार का सौदागर कहते हैं, क्योंकि क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी, और आज उनके हुनर इस मैदान पर बोलते हुए इस रोहा चैंपियन ट्रॉफी में एक शानदार दिमागदार आयोजन हम देख रहे हैं। कट्टर दोस्ती ग्रुप रोहा के माध्यम से तुषार जी शिंदे सर होंगे, विशाल शेलार, नितेश जाधव, अंकित मोहिते और राकेश जी पडवल, ये 5 दोस्तों ने आयोजित किया हुआ एक बहुत दिव्य टूर्नामेंट इस प्रतियोगिता में। सभी दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए 1 रन के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है 7 रन स्कोर कार्ड पर। पहला ओवर प्रगति पर, स्ट्राइक पे फिर से एक बार, जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, मायूस मेरे दिल से सवाल ही नहीं जाता, अरे कांटे ही करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली नहीं आता, पर ये माली किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। स्ट्राइक पे बल्लेबाज ऋतिक माली, अंपायर जी से गाड़ लेते फील्डिंग का मुआयना करते हुए इस ओवर की आखिरी एक गेंद का सामना करेंगे। स्कोर कार्ड पर 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, पहला ओवर प्रगति पर, आखिरी गेंद इस ओवर की। इस बार तेज तर्रार गेंद डाली जरूर यहां पर, मिड विकेट की दिशा फील्डर तैनात है अमीन तुलवे, जिसे कृष्णा सातपुते भी कहते हैं, और क्या पर्सनालिटी है। तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल, जिस तरह से कृष्णा सातपुते कहा, और वहां पर अली इलेवन रोहा रॉयल्स के खेमे में शोर मचता हुआ, और ये शोर होना भी चाहिए क्योंकि उसी तरह का फील्ड है, उनके माध्यम से हम अक्सर देखते हैं, एफर्ट दिखलाते हैं। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है रविंद्र जडेजा जर्सी नंबर 8 स्कोर कार्ड पर, 2 विकेटों के नुकसान पर, बचे हुए 24 गेंदे जीतने के लिए अभी भी 60 रनों की जरूरत है। 24 गेंदे 60 रन, इकोनॉमी रन रेट देखा जाए ना तो प्रति शतक 15 के औसत से बल्लेबाजी करनी है। और गेंदबाजी के लिए आते हुए रोहा के सुल्तान सलमान सिद्दीक, जिस खिलाड़ी ने रोहा प्रीमियर लीग हो, रायगढ़ प्रीमियर लीग हो, हर एक रत्नागिरी प्रीमियर लीग चैंपियंस ट्रॉफी हो, जिस ट्रॉफी में अपनी शिरकत फरमाई है, ये रोहा के सुल्तान गेंदबाजी मार्ग पर। इस बार तेज तर्रार गेंद मिड विकेट की दिशा में, फील्डर गेंद के नीचे, फील्डर है अमीन तुलवे उर्फ कृष्णा सातपुते, सफवान वहां पर जरूर दिखाई देते हुए। इस 1 रन के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है ब्रायन लारा जर्सी नंबर 9 वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी, जिन्होंने टेस्ट मैच में 400 रन बनाए, रिकॉर्ड अभी भी कायम है, और वही लेफ्ट आर्म बल्लेबाज द्वारकानाथ भोए, लेजेंडरी क्रिकेटर, जरूर आज द्वारकानाथ भोए किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 2 विकेटों के नुकसान पर, गेंदबाजी मार्ग पर रोहा का सुल्तान सलमान सिद्दीक। इस बार अड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, नजाकत के साथ पल्लू स्कूप करने का प्रयास था, गेंद के पीछे फील्डर तैनात है, नाम है सुफियान सिद्दीक उर्फ गनीबा है। और इस 1 रन के साथ स्कोर में बदलाव, क्रिकेट के गॉड भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर जर्सी नंबर 10 स्कोर कार्ड पर आते हुए, 2 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ पर हुजैफा, हमने सुना था बूंद बूंद से तालाब बनता है, पर यहाँ पर हिमालय पर्वत खड़ा किया है अली इलेवन रोहा रॉयल्स रोहा टीम ने, तो बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे ऋतिक माली को। इस बार देखे बैक टू द बॉलर खेलने का प्रयास, फील्डर गेंद के नीचे, जिन्होंने पहला कैच लपका वही आमिर महाड़कर,
उनके हाथों में गेंद जाती हुई, कोई इनकी गुंजाइश नहीं यहाँ पर, हर गुंजाइश को खारिज करते हुए गेंदबाज रोहा का सुल्तान सलमान सिद्दीक, रोहा एक्सप्रेस सबसे पहली एक्सप्रेस होगी वो है रोहा एक्सप्रेस सलमान सिद्दीक। हा इस बार देखिए बल्ले का बाहरी सिरा, विकेट कीपर का नहीं मिला सहारा, गेंदबाज का दिल टूटता हुआ, मुकद्दर रूठता हुआ। पर यहाँ पर दोस्तों क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है पकड़ो कैच जीतो मैच, पकड़ोगे कैच तो बोलेंगे झकास और छोड़ोगे कैच तो होगा सत्यानाश, जिसे मराठी में वाठोड़ा कहते हैं। तो जरूर यहाँ पर सलमान गेंदबाजी मार्ग पर अपने ओर की अगली गेंद, फिर से एक बार ऋतिक माली के लिए, इस बार देखे फंसाते हुए चकाते हुए गंडाते हुए बकते भजी मांगते बड़ा, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, शानदार गेंदबाजी। पिछले मैच में भी सराहना करनी होगी क्योंकि पिछले मैच में 4 रन का ओवर खर्च किया था गेंदबाज रोहा के सुल्तान रोहा एक्सप्रेस, आज शानदार गेंदबाजी करते हुए स्कोर रुका हुआ मैच ही बतलाते हुए 10 रन स्कोर कार्ड पर। और की आखिरी गेंद, इस बार देखे डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, घुटना टेक और कैच देख, यहाँ पर कृष्णा सातपुते के हाथों में कैच जाता हुआ, ये रोहा के कृष्णा सातपुते आमीन तुलवे। तीसरा विकेट प्राप्त करते हुए यहाँ पर शानदार गेंदबाजी, लुमड़ी की दिमाग का गेंदबाजी से कहा जाएगा ना वो है रोहा एक्सप्रेस, पहले तूफानी तेज तरार गेंदबाजी करते थे, अभी गति में परिवर्तन किया है, वेरिएशन किया है, एक्सपेरिमेंट किया है और जरूर ये एक्सपेरिमेंट लाभदायक होता हुआ अली 11 रोहा रॉयल्स रोहा टीम के लिए। नए गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आते हुए शाकिब सिद्दीक, निजी दूसरा टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आते हुए स्कोर रुका हुआ 3 विकेटों के नुकसान पर 10 रन, बचे हुए 18 गेंदे 58 रनों की जरूरत। न्यू बैटर मैदान पर हम देख रहे सुशील मात्रे, चेतन मात्रे आउट होने के बाद सुशील मात्रे मैदान पर आते हुए, द्वारकानाथ भोए और सुशील मात्रे को 18 गेंदों में 58 रनों की पारी यहां पर करनी होगी। कुणाल कोंडालकर जिन्होंने अहमदाबाद प्रीमियर लीग हो, पीएनपी चषक हो और अलीबाग तहसील के काफी बड़े बहुत जिसमें ऑलराउंडर कामगिरी की थी और वही भरोसा आज अली 11 रोहा रॉयल्स के कप्तान सलमान सिद्दीक इन्होंने दिखलाया और उन्हें यहां पर मौका दिया खेलने का। इस बार अच्छी गेंद टप्पा करने के बाद थोड़ी सी बाहर जाती हुई, ऑफिशियल अंपायर नाराज होते हुए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन 2 पर आते हुए इस एक्स्ट्रा के बदौलत स्कोर में बदलाव, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले इंडियन गेंदबाज मोहम्मद शमी जर्सी नंबर 11 स्कोर कार्ड पर आते हुए 3 विकेटों के नुकसान पर 18 गेंदे 57 रनों की जरूरत। इस बार देखिए अच्छी गेंद से खोद कर खेला है फील्डर गेंद के नीचे अमीन तुलवे जूनियर कृष्णा सातपुते रोहा तहसील के, ये कृष्णा सातपुते फील्डिंग करते हुए इस एक रन के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है। इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के ऊपर 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी युवराज सिंह जर्सी नंबर 12 स्कोर कार्ड पर आते हुए 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके। धीमी गति से यहां पर कछुए की चाल चलते हुए पर यहां पर 68 रनों का टारगेट सेट किया है तो बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे, भुकला तो चुकला नहीं ठोकला तो चीकला, इसी समीकरण को याद रखना होगा। इस बार देखिए कमाल की गेंदबाजी, गोल्डन स्पॉट पे टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई यहां पर डॉट गेंद जाती हुई 16 गेंदे जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत। टेमगढ़ से बिलोंग करने वाले कुणाल कोंडालकर एक आइकॉन खिलाड़ी है, आज अली 11 रोहा रॉयल्स टीम में दिखाई देते हुए 10 खिलाड़ी रोहा रॉयल्स से बिलोंग करने वाले और 1 खिलाड़ी आइकॉन टेमगढ़ से बिलोंग करने वाले, पर जरूर उन्होंने अपना जिस जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की गेंदबाजी की, पिछले मैच में 2 गेंदों में 11 रनों की जरूरत थी और आखिरी गेंद पर 5 रनों की जरूरत थी और वो गेंद भी डॉट कराई थी गेंदबाज कुणाल कोंडालकर। तो फिर से एक बार स्कोर जा पहुंचा मोहम्मद सिराज जर्सी नंबर 13 स्कोर कार्ड पर आते हुए गेंदबाजी मार्ग पर फिर से एक बार शाकिब सिद्दीक, इस बार फुटवर्क का इस्तेमाल किया गया कर खेल दिया है, डीप में प्रोटेक्शन नहीं है, गैप बड़ा है, क्या ये चौका होगा, पर जरूर गेंद सीमा पार, द्वारकानाथ भोए के बल्ले से आता हुआ
इस पारी का शानदार चौकार। इस छवि की सहायता से स्कोर में बदलाव स्कोर जा पहुंचा है। ऋषभ पंत एबी डिविलियर्स जर्सी नंबर 17, किसके लिए होगा खतरा? तीसरा और प्रगति पर 5 ओवरों में 68 रनों की जरूरत। अभी अभी दर्शकों के जानकारी के लिए 14 गेंदे जीतने के लिए अभी भी 51 रनों की जरूरत। इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास था। गेंद बैकफुट स्क्वायर की दिशा में, फील्डर अरबाज मनेर कुंडलिका नदी से गेंद ट्रैवल होने के बाद उसे कुणाल कोंडालकर ने जरूर प्राप्त किया है। इस एक रन के साथ स्कोर में बदलाव स्कोर जा पहुंचा है। विराट कोहली जर्सी नंबर 18, बचे हुए 13 गेंदे 50 रनों की जरूरत। 13 गेंदे 50 रन, यहां पर शानदार बल्लेबाजी करनी होगी। सुशील के ऊपर पूरी जिम्मेदारी। सुशील जिस बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, क्या वो मौका मिलेगा? पर इस बार गुडले स्पॉट पे टप्पा खाने के बाद अनएक्सेप्टेड बाउंस पर फ्यूम डिलीवरी। आखिरी गेंद डॉट जाती हुई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर स्कोर रुका हुआ 18 रन। बचे हुए 12 गेंदे और 50 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 50 रन। गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज अरबाज। वासिफ हेरुंगर की जानिब से अरबाज के विकेट हैट्रिक के लिए 1000 रुपए का कैश प्राइज होगा। जरूर यहां पर तेज तर्रार गेंद, शानदार स्ट्रोक। यहां पर गैप ढूंढने का प्रयास, गेंद दलदलाती बाउंड्री लाइन के पार, द्वारकानाथ भोई के बल्ले से आता हुआ शानदार चौकार। इस छवि की सहायता से स्कोर में बदलाव स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। बचे हुए 11 गेंदे और 46 रनों की जरूरत। इसके बाद भी एक मैच है, सेमीफाइनल का मैच होगा। उद्याच्या दिवसात जबरदस्त खेळ संघ पाहायला मिळेल। अलिबाग तालुका, माणगाव तालुका, पेण तालुका आणि मुरुड तालुका या तालुक्यातील 2 दिग्गज गाव सोबत ही लढत होणार आहे। त्यामुळे उद्याचा दिवस खास असेल, सर्वांनी आपली उपस्थिती लावायची आहे। तो फिर से एक बार देखिए, यहाँ पटपट की विकेट, अरबाज ने कमबैक किया है। डॉट गेंद ने यहाँ पर स्कोर रुका हुआ 22 रन। बचे हुए 10 गेंदे 46 रनों की जरूरत। 10 गेंदे 46 रन। यहाँ पर मजहर गौरी थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट को लगा सजाते हुए, क्योंकि यहाँ पर क्वालिफाई का मैच है। जो जीतेगा वह अंतिम 3 में प्रवेश करेगा। सेमीफाइनल का मैच जरूर इसके बाद होगा। विजयी टीम विपक्ष कल के दिन जो क्वालिफाई हुई थी टीम, उनके साथ जरूर हमारे तुषार जी शिंदे सर ने अनाउंसमेंट किया था पोस्टाची वाड़ी टीम और खामजाई काम दोनों टीम। इस बार देखिए बड़ा स्ट्रोक लगाया फील्डर वहां पर सफवान। जब तक फील करेंगे थ्रो करेंगे, एक रन पर संतुष्ट होना होगा। जिस तरह से गुब्बारे में से हवा निकाली जाती है, उसी तरह से यहां पर इस मैच की हवा निकालते हुए होता हुआ। इस बार देखिए स्ट्राइक पर बैटर सुशील मात्रे, नॉन स्ट्राइक पे द्वारकानाथ, गेंदबाजी मार्ग पर फिर से एक बार अरबाज। इस बार टप्पा घेरने के बाद फिर से एक बार उछाल लगाती हुई, इस बार बीट कराते हुए, फंसाते हुए, चकाते हुए यहां पर सफवान अरबाज की अच्छी गेंद। 7 गेंदे और 45 रनों की जरूरत। चमत्कार को नमस्कार करना होगा। 7 गेंदे 45 रन। फिर से एक बार अरबाज अपने ओर की आखिरी गेंद। पहला सेमीफाइनल का मैच रोहा चैंपियन ट्रॉफी, आयोजक कट्टर दोस्ती ग्रुप रोहा, तुषार जी शिंदे सर, विशाल शेलार, नितेश जाधव, अंकित जी मोहिते और राकेश जी पडवल, कुणाल कोंडालकर गेंदबाजी के लिए आते हुए एक आइकॉनिक खिलाड़ी, बहुत चर्चित ये खिलाड़ी है जिनके अलीबाग तहसील हो, रोहा तहसील हो, पूरे रायगढ़ में काफी चर्चित ऐसे खिलाड़ी है गेंदबाज कुणाल कोंडालकर। अपने ओर की पहली गेंद। इस बार बड़ा स्ट्रोक फील्डर गेंद के नीचे अरबाज कैच छोड़ते हुए, पर ये औपचारिकता उन्हें पता है, पर कुणाल कोंडालकर को विकेट जरूरी थी। पर यहां पर ये क्या छूटता हुआ
डॉट के जाते हुए पांच के दे 45 रनों की जरूरत। इस बार पट की विकेट फिर से एक बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग में मजर गौरी फील्ड करेंगे। एक रन के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचे उमेश जी में बदलाते हुए स्कोर कार्ड पर 24 रन चार गेंदे 44 रनों की जरूरत। चार गेंदे 44 रन 68 रनों का टारगेट यहां पर सेट किया है अली 11 रोहा रॉयल्स रोहा टीम ने। पर जरूर यहां पर बैकफुट पर लाते हुए गेंदबाजी करने वाली टीम अली 11 रोहा रॉयल्स रोहा। इस बार जड़ में डालने की कोशिश खोद कर खेला है और बांस गेंद के नीचे जब तक फील करेंगे एक ही रन पर संतुष्ट। तीन गेंदे 43 रनों की जरूरत। शानदार गेंदबाजी यहां पर होती हुई पोस्टाची वाड़ी खमजाई काम संघाचे कर्णधार टॉस साठी आपण त्वरित सज्ज राहायचं आहे। इस बार आगे आकर खेलने का प्रयास नो मैन्स लैंड में गेंद ट्रैवल होती भी अरबाज मनेर गेंद के पीछे बिहाइंड द विकेट थर्ड मैन दिशा में कोई रन की गुंजाइश नहीं डॉट गेंद जाती हुई। स्कोर रुका हुआ मेरे गुणे लेखक जी बतलाते हुए दो गेंदे और 43 रनों की जरूरत। दो गेंदे 43 रनों की आवश्यकता और फिर से एक बार बीट कराते हुए डॉट कराते हुए कमाल की गेंदबाजी गेंदबाज कुणाल कोंडालकर। नाम तो सुना है कुणी भी किती भी अयोध्या तेना एकटा बास और एक आइकॉन खिलाड़ी आज हम मैदान पर देख रहे कुणाल कोंडालकर। इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास और ये देखिए आखिरी गेंद पर भी आज अरबाज की अच्छी फील्डिंग और इसी तरह से इस मैच को जीत लिया है क्वालिफाई होते हुए अली 11 रोहा रॉयल्स रोहा। और इस मैच का वो मैच नो डाउट टेम कर